हेलो गाइस, अनजान नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनोज साहू। इस वीडियो में बताने वाला हूं रेडमी 9 पावर में फ्री फायर कैसे छिपाएं। सो रेडमी फोन से जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। सो यहाँ पर हमारा होम स्क्रीन ओपन हो चुका है। सो हम यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन पे चले जाना है। मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन में आते ही यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करते ही एप्स वाले एप्लीकेशन पे चले जाना है। एप्स वाले एप्लीकेशन पे आते ही यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें ऐप लॉक वाले ऑप्शन पे चले जाना है। ऐप लॉक वाले ऑप्शन पे आते यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें टर्न ऑन को टैप करना है। टर्न ऑन को टैप करते यहाँ पर पेटर नया पासवर्ड इंटर करने के लिए आ जाता है, जो कि टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पर पासवर्ड इंटर करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन पर पासवर्ड इंटर कर लेना है। पासवर्ड इंटर करते यहाँ पर दूसरा पेज देखने को मिल जाता है। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें एड के ऑप्शन को टैप करना है। एड के ऑप्शन को टैप करते ही यहाँ पर आप प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐप पर सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें किसी भी ऐप को ऐप लॉक नहीं करना है, हमें यहाँ पर सभी एप्स को अनसेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें फ्री फायर को छिपाना है। यहाँ पर हमारा सभी एप्स अनसेलेक्ट हो चुका है। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें यूज ऐप लॉक को टैप करना है। यूज ऐप लॉक को टैप करते यहाँ पर फिंगरप्रिंट वेरीफाई करने के लिए आ जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करते यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐप देखने को मिल जाता है। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, हाइडन एप्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है। हाइडन एप्स वाले ऑप्शन पे जाते यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और फ्री फायर वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है। ऑन करते ही हमारा फ्री फायर होम स्क्रीन या ऐप ड्रॉ में दिखाई नहीं देगा। सो इसके साथ साथ हम अपने व्हाट्सएप को भी हाइड कर देते हैं, तो इससे व्हाट्सएप भी हमारे होम स्क्रीन या ऐप ड्रॉ में दिखाई नहीं देगा। सो चलिए हम यहाँ से होम होते हैं और देखते हैं फ्री फायर और व्हाट्सएप को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ्री फायर और व्हाट्सएप यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। सो आप भी इसी तरह अपने मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप और फ्री फायर को छिपा सकते हैं। सो चलिए हम उसे फिर से वापस लाते हैं। तो चलिए हम फिर से अपने ऐप लॉक वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऐप लॉक ऑप्शन पे आते ही तो फिर से फ्री फायर और व्हाट्सएप के ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं। ऑफ करते ही हमारा फ्री फायर वापस आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से फिर से होम होते हैं और देखते हैं हमारा फ्री फायर व्हाट्सएप वापस आया है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ्री फायर और व्हाट्सएप वापस आ गया है। इसी तरह आप भी अपने मोबाइल फोन पर फ्री फायर, व्हाट्सएप और अन्य ऐप को छिपा सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।